हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि क्रिएशन। आज मैं आपके सामने इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये रिवर्सिबल फ्रॉक है, इसे आप दोनों तरफ से पहना सकते हैं। ये फ्रॉक मैंने 2 से 3 साल की बच्ची की बनाई है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसे बना सकते हैं। इस बॉक्स को बनाने का वीडियो भी मैंने बनाया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। टॉप पार्ट की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने 9 इंचेस रखी है, शोल्डर 5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5 इंच रखा है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से चेस्ट मैंने 6.5 इंचेस रखी है। वेस्ट 6 इंच। अब हम स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। हाफ इंच मैंने सीम अलाउंस रखा है। अब हम इसमें आर्म होल की शेप देंगे और इसको कट कर देंगे। मैंने वेस्ट लाइन पे 1/2 इंचेस का कर्व दिया है और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम अंदर के पार्ट की कटिंग करेंगे। अंदर का पार्ट हम बाहर के पार्ट जैसा ही काटेंगे। गले की कटिंग के लिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों पल्लों को हम फोल्ड करके रखेंगे। दोनों पल्लों की राइट साइड मिलाकर हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। गले की विड्थ मैंने 2.75 इंचेस रखी है और लेंथ 2.5 इंचेस। अब हम इसमें बोर्ड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट की विड्थ भी मैंने 2.75 इंचेस रखी है और लेंथ 6 इंचेस। अब हम वी शेप में इसका गला ड्रॉ करेंगे और कटिंग कर देंगे। अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। फोल्ड साइड से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट मेरी 6 इंचेस है। स्कर्ट की लेंथ मेरी 12.5 इंचेस है। अब हम इस तरह से राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब हम अंदर के पार्ट की कटिंग भी बाहर के पार्ट जैसे ही करेंगे। अब हम दोनों शोल्डर्स को जोड़ेंगे।
दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब हम इनर पार्ट के शोल्डर्स को भी जोड़ेंगे। और सिलाई लगा देंगे। मैंने दोनों शोल्डर्स जोड़ दिए हैं। दोनों पल्लों की हम राइट साइड मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। शोल्डर और नेक लाइन में हम सिलाई कर देंगे। अब हम गले में और बाजू में नॉचेस डालेंगे ताकि वो इजीली पलट जाए। अब हम बैक पार्ट में सेंटर निकालते हुए इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब टॉप पार्ट को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हम इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाने के लिए हम दोनों पल्लों को इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें पिन लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे। अब हम इसमें हाफ इंच जो मैंने सीम अलाउंस के लिए छोड़ा था उसमें मार्किंग करेंगे और इसको हम सिल देंगे। दूसरी साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। पीछे के पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इसमें पिन लगा देंगे। इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें स्कर्ट अटैच करेंगे। पहले हम बाहर के पार्ट को जोड़ेंगे। दोनों राइट साइड मिलाते हुए हम इस तरह से पिने लगा देंगे और सिलाई कर देंगे। इनर पार्ट को जोड़ने के लिए हम इस तरह से कपड़े को मोड़ेंगे और इसमें स्कर्ट पार्ट जोड़ेंगे। दोनों राइट साइड मिलाते हुए हम इसको पिन अप करेंगे और इसको हम सिल देंगे। हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हम इसके घेरे में पीको करेंगे। आप चाहे तो इसको मोड़ भी सकते हैं। मैंने दोनों पार्ट्स में पीको कर लिए। ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनी है। हम इसको दोनों साइड से पहना सकते हैं। आप भी इस फ्रॉक को ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने नेक लाइन को मोतियों से सजाया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस फ्रॉक को आप दोनों ही तरफ से पहना सकते हैं।